नमस्कार, नीतल मेहता आचार्य गोदावरी देवी रामचंद्र प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर पुरानी बाजार नरकटियागंज। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। ये जो साइंस सब्जेक्ट है इसमें टर्म से ही किसी वर्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, टीनी। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है मींस लिविंग थिंग्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। यहाँ हम देखेंगे कि इसका डिफिनेशन, वेरी स्मॉल क्रीचर्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वेरी स्मॉल क्रीचर्स है जो कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम उसको देखेंगे तो किस चीज से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है माइक्रोबायोलॉजी जो है वो साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम किस चीज में स्टडी करते हैं, वो किस चीज को डील करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कहने का मतलब है माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी का ही क्या है, ब्रांच है, लेकिन उसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, द वर्ड टू स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो कौन हुए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है अपेरेंस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस अर्थ पे सभी जगह प्रेजेंट है, एयर में, वाटर में, डिजर्ट्स में, पोलर रीजन में, हमारे फूड में, लेकिन सब जगह इस अर्थ में प्रेजेंट, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के बाहर, पूरे अर्थ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लेकिन उन्हें क्या हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है साइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके साइज वेरीज करते हैं, वो डिफरेंट साइज में होते हैं और वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स को हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू फाइव मेजर ग्रुप। कहने का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको फाइव मेजर ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है फंगी, थर्ड है एल्गी, फोर्थ है प्रोटोजोआ, फाइव है वायरसेस। इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फाइव मेजर ग्रुप हुए, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये जो ग्रुप हमने देखा इसको हम ब्रॉड में इंडिविजुअल रूप से इसका स्टडी करेंगे। आज का बस टॉपिक यही था। आप अपना होमवर्क लिखिए, व्हाट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स मेजर ग्रुप। इसके मेन पॉइंट्स को आप पेपर कॉपी में नोट करेंगे और होमवर्क को बनाएंगे और नेक्स्ट दिन हम इंडिविजुअल रूप से ये ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।